उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही, जहां गन्ने के खेत में कटा हुआ सर मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, ये मामला है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पडरौना का, जहां पर गन्ने के खेत में एक कटा हुआ सर मिलने से आसपास के इलाके में हलचल मच गई। जहां आपको बता दें कि कोतवाल अनुज सिंह मौके पर पहुंचकर कटे हुए सर को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच में जुट गई है। और अनुज सिंह का कहना है कि बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा कि इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है। आइए डालते हैं हमारे संवाददाता सदर आलम की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। कोतवाली पडरौना से सटे जंगल बनबीरपुर बड़ी नहर खंड के गन्ने के खेत में शरीर से कटा हुआ सर मिलने से सनसनी फैल गई। पडरौना कोतवाल अनुज सिंह मौके पर पहुंचकर कटे हुए सर को अपने कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई। वहीं पीएम के लिए शव और कटा हुआ सर भेज दिया गया। आपको बता दें, अनुज सिंह कोतवाल का कहना है बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा किसका हाथ है इस मर्डर में, पर्दाफाश किया जाएगा। टीम आई है, जांच कर रही है, क्या क्या लग रहा है आपको? ये कोतवाली पडरौना में एक गांव है जिसमें कि एक महिला की हत्या कर दी गई है गला काट के। इसमें शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। एक और मामला है सर, अभी घटनास्थल पर भी एक महिला और एक युवक को आशंका के तौर पर या संगीत परिस्थितियों में जैसे भी हो बैठाई गई है पुलिस, क्या लग रहा है? अभी गिरफ्तार भी किया है। ये यहाँ पे फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम आई है और उसमें जो डॉग स्क्वाड ने जिसको आइडेंटिफाई किया है, अभी सिर्फ सस्पेक्ट हैं वो, अभी हम मेन अक्यूज नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सर, कब तक आशा किया जाए कि कुछ हम लोग को रिजल्ट मिले?